मेकर्स को आखिर झुकना पड़ा। क्यों? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं मेकर्स ने फैसला ले लिया था, पर बिग बॉस के अंदर कुछ ऐसी हरकतें हुई जहां पर उन्हें झुकना पड़ा और अपने फैसले को बदलना पड़ा। इशारों ही इशारों में सलमान खान ने सबको बता दिया कि क्यों आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर नहीं किया गया, और वो चाह कर भी घर से बाहर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर निकालने गए तो आधा से ज्यादा घर खाली हो जाएगा। दोस्तों मैं आरडी एक बार फिर पहली बातें पे, और मैं बात करने वाला हूं बिग बॉस वीकेंड के वॉर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों का कहना ऐसा है कि सलमान खान जो होस्ट किए हैं वो कर रहे हैं बायस्ड, और कलर्स टीम और सलमान खान सपोर्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को। पर कहीं ना कहीं उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत सारी बातें कही और बहुत चीजें जो कलर्स चैनल पर नहीं आई, लेकिन सलमान खान बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे सिद्धार्थ शुक्ला से। कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया भाई इंडस्ट्री में काम करना है या नहीं, और आसिम को वहीं चेता दिया कि भाई तेरा क्या, एक बार अप्रिशिएट कर दिया तुझे तो तू बहुत ज्यादा उछलने लगा घर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला हो सकते थे घर के बाहर, पर जैसे बिहेवियर आया जहां पर रिप्लाई कर दिया असीम रियाज ने उन्हें एक बार धक्का देकर, फिर वहीं भाऊ ने जो धक्का दे दिया पारस छाबरा को, और पारस छाबरा ने धक्का दे दिया भाऊ को, वहीं कहीं ना कहीं फिर धक्का दे दिया आपकी हिमांशी खुराना ने, ये इस तरीके के जो धक्कम धुक्की चलते आया, उसकी वजह से एक की गलती होती तो निकाल देते, पर जो मेकर्स हैं इन्होंने इतना पैसा खर्चा किया हुआ है, उन्हीं के नाम पर उन्हें मिले हैं स्पॉन्सर्स, और अगर ये सारे कंटेस्टेंट बाहर जाएंगे तो क्या रहेगा बिग बॉस के अंदर कंटेंट, इसलिए उन्होंने कंटेंट को बरकरार रखते हुए एक वार्निंग के साथ छोड़ दिया, पर कहीं ना कहीं उन्होंने खेला एक खेल। हालांकि उन्होंने सलमान खान से जो टास्क होता रहता है, जिस टास्क में अक्सर सिर्फ स्टेटमेंट दोहराए जाते हैं बताए नहीं जाते, पर कहीं ना कहीं इस बार सलमान खान बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है, अगर आप गलत होते हो और सही होते हो तो ये भी बताते हैं कि किसने आप सही हो। दोस्तों इसकी वजह से घर में होने वाले बहुत झगड़े, पर कहीं ना कहीं रणविजय सिन्हा ने ये सलमान खान के साथ मिलकर दिखा दिया घर वालों को एक अलग पहलू, जहां पर अब होगा घर में बहुत ज्यादा झगड़ा। बिकॉज ऑफ दैट कि उनके पैसे बहुत बनते जा रहे हैं और टॉप 10 में आ चुकी है बिग बॉस की रेटिंग, बस वो इतना खुश है मेकर्स कि पैसा इतना बन रहा है, उन्होंने बढ़ा दिया है हफ्ता बिग बॉस का। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, बट जो चल रही है अंदर बात वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको क्या लगता है, सलमान खान ने जो ये फैसला लिया था वो गलत था या सही था, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, या कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज क्या सही थे क्या गलत थे। वहीं सेफाली को जो डाटा है, सच में दर्शक बहुत खुश हुए, क्योंकि सेफाली कहीं ना कहीं सिर्फ फ्रेंडशिप सर्कल में इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन गलत ली थी। दोस्तों ये रही आज की खबरें, अगर आपको कोई भी चीजें अच्छी लगती हैं वीडियो में तो आप जरूर फीडबैक दें, कुछ गलत है तो भी फीडबैक दें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।